फिरोजाबाद से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर रेप पीड़िता के पिता की हत्या का मामला सामने आया है, जहां आईजी आगरा सतीश गणेश फिरोजाबाद पहुंचे हैं। पूरे मामले की एसएसपी सचिंद्र पटेल से जानकारी ली गई है। आरोपियों पर 15,000 से बढ़ाकर 50,000 किया गया इनाम। तो कल रात रेप पीड़िता के पिता की हत्या की गई थी। पीड़ित परिवार से मिलकर कठोर कार्रवाई का जो आश्वासन है वो उनकी तरफ से दिया गया है। तो कल रात रेप पीड़िता के पिता की हत्या की गई थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार से मुलाकात यहां पर की गई और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। तो फिरोजाबाद से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में आईजी आगरा सतीश ए गणेश फिरोजाबाद पहुंचे हैं। सतीश ए गणेश पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की, पूरे मामले की एसएसपी सचिंद्र पटेल से जानकारी भी उन्होंने हासिल की और उसके बाद पीड़ित परिवार को यहां पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया। तो कल रात इस पूरी घटना को अंजाम जो है वो दिया गया। तो फिरोजाबाद से ये पूरी खबर आपको दे रहे हैं। रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में आईजी आगरा ए सतीश गणेश पीड़ित परिवार से मिलने फिरोजाबाद पहुंचे। पूरे मामले की एसएसपी सचिंद्र पटेल से जानकारी बकायदा उन्होंने ली और जिसके बाद उन्होंने पीड़ित परिवार को कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। संवाददाता शुभम दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में सतीश ए गणेश पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे, ताजा अपडेट लेना चाहेंगे इस मुलाकात को लेकर। जी शुभम, मैं बता दूं, फिरोजाबाद में कल देर रात्रि एक 50 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि उनकी बेटी जो रेप पीड़िता थी उनका सुखावाद में मुकदमा लिखा गया था और वो कई दिनों से धमकी दे रहा था और उसके बाद उसने वारदात को भी अंजाम दे दिया, लेकिन पुलिस खाली हाथ बैठी रही, कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके नतीजे में कल उनकी हत्या कर दी गई। आज सुबह एसएसपी ने इस मामले में दो इंस्पेक्टर और एक चौकी प्रभारी को सस्पेंड किया था। फिलहाल मौके पर आगरा के आईजी ए सतीश गणेश पहुंचे हुए हैं और उन्होंने इस पर पूरी रिपोर्ट तलब करते हुए अभी मौका मुआयना करने पहुंचे हैं वो। बिल्कुल, अब लेकिन जिस तरह से जानकारी शुभ मिल रही है कि 15,000 से बढ़ाकर आरोपियों का जो इनाम है वो 50,000 कर दिया गया है, तो कितनी आसानी आरोपियों तक पहुंचने में होगी इस इनाम के बाद? क्योंकि पुलिस की इसमें बड़ी लापरवाही निकल के आ रही है और पुलिस उस लापरवाही को अब जो ये 15,000 से 50,000 रुपए की राशि की गई है इसके जरिए अपनी लापरवाही को छुपाना चाह रही है। जो आरोपी थे वो खुलेआम घूम रहे थे, अगर उन पर पहले ही कार्रवाई की होती तो ये जो युवक की जान है वो बचाई जा सकती थी। अब पुलिस इसे बैकअप के तौर पर 50,000 रुपए करके उन आरोपियों की तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस के हाथ अभी भी इस घटना में खाली बने हुए हैं। बिल्कुल, पुलिस का ढुलमुल रवैया कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन अब जिस तरह से पीड़ित परिवार से मुलाकात सतीश गणेश की तरफ से की गई है, कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, इस आश्वासन पर पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना, वो कितने संतुष्ट? पीड़ित परिवार से R9 टीवी की कोई वार्ता नहीं हुई है, लेकिन एक बड़े अधिकारी का परिवार के पास पहुंचना एक पुलिस का पॉजिटिव रवैया दिखाता है और आगरा के आईजी इससे पहले भी कई घटनाओं पर मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने पीड़ितों को हर संभव न्याय दिलाने की बात कही है, तो इसे एक पॉजिटिव वे में पुलिस का जो रवैया इसे देख सकते हैं, लेकिन जो लापरवाही थे उन पर सुबह कार्रवाई इस मामले में की जा चुकी है। बिल्कुल शुभम, जो पूरी जानकारी एसएसपी से ली गई थी इस पूरे मामले पर सतीश जी की तरफ से, तो उनकी जानकारी में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? और जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि ढुलमुल रवैया कहीं ना कहीं पुलिस का जिम्मेदार रहा है, तो उस पर क्या कुछ कहना था सतीश गणेश का? जी मैं बता दूं, इस मामले में आईजी ने जब एसएसपी से इसकी रिपोर्ट तलब की है तो एसएसपी फिरोजाबाद द्वारा बताया गया था कि इस मामले में जो आरोपी थे उनकी तलाश के लिए पुलिस ने कुर्की और 15,000 रुपए की इनामी राशि घोषित की थी, लेकिन जो एसएचओ हैं सुखाबाद और उत्तर के वो इन लोगों को ढूंढने में नाकाम साबित हुए थे और पीड़ित परिवार ने एसएचओ सुखाबाद और उत्तर को ये जानकारी दी थी कि जो आरोपी हैं वो उन्हें धमकी दे रहे हैं। इस मामले में थाना स्तर से लापरवाही हुई है, उसकी पूरी रिपोर्ट एसएसपी फिरोजाबाद द्वारा आईजी आगरा को दी गई है। चलिए शुभम, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल शुक्रिया।